हेलो फ्रेंड्स, मैं मोनिका आपकी गार्डनर दोस्त आज आपसे ये देखिए सिलोशिया पे बात करूंगी। सिलोशिया जो है ये एमरेंथस फैमिली को बिलोंग करते हैं। अगर आपने एमरेंथस सिंपल रंगीन पत्तों वाला एमरेंथस अगर आपके पास है या देखा हो तो देखिए इसके पत्ते भी कुछ वैसे से होते हैं। तो एमरेंथस फैमिली को बिलोंग करते हैं, जिसको हम लोग हिंदी में जो हम एक एमरेंथस की वैरायटी खाते हैं जिसे चौलाई कहते हैं, तो ये जो है वो उस फैमिली को बिलोंग करते हैं। और इनके जो फ्लावर्स हैं वो कई तरह के होते हैं। देखिए ये वाले जो हैं ये आपको पॉइंटेड से दिख रहे हैं। देखिए ये वाला सबसे ज़्यादा पॉइंटेड दिख रहा है, ये वाला, ये भी पॉइंटेड ही होता है। और इसमें क्या है, कई पॉइंट से एक साथ दिख रहे हैं, इसमें भी ऊपर एक पॉइंट निकलता है। एक वैरायटी होती है इसको कॉक्सकॉम भी कहते हैं, और बहुत सारे नाम होते हैं इसके, मुझे अभी याद नहीं आ रहे हैं। और जो कॉक्सकॉम नॉर्मल सी वैरायटी होती है वो बहुत घरों में उगाया जाता है। वो उसके बड़े फैले हुए से फ्लावर आते हैं, जैसे मुर्गे की वो होती है ऊपर जो कॉम होती है उस तरह का होता है वो। और दो तीन तरह के इसमें ग्रुप्स होते हैं, जैसे ये जो हैं ये एक ग्रुप के होते हैं, वो जो चपटे होते हैं ऊपर से नॉर्मल जो देसी से लगाते हैं सब घरों में, ऊँचे ऊँचे लंबे लंबे हो जाते हैं, वो अलग तरह के होते हैं। इन्हें वुल फ्लावर भी कहते हैं, क्योंकि ये जो है ना वो ऊन जैसे लगते हैं देखने में, देखो आप पास से देखो आप ऊन जैसे लगते हैं, इसलिए इन्हें वुल फ्लावर भी कहा जाता है। और इनमें कलर बड़े खूबसूरत खूबसूरत आते हैं, और जब ये एक साथ लगते हैं तो क्यारी में जैसे आप लगाएं या गमले एक साथ लगाएं तो बहुत सुंदर लगते हैं। मैंने इनके तीन ही पौधे लगाए हुए हैं। मिट्टी इनकी वही, बस अच्छी सी रिच सॉइल बनाओ आप और वेल ड्रेन्ड हो। एक हिस्सा मिट्टी लो, डेढ़ हिस्सा खाद लो और एक हिस्सा रिवर सैंड लो, उसमें थोड़ा सा नीम खली एक मुट्ठी मिला दो एक गमले के लिए, और थोड़ा सा फंजीसाइड मिला दो 1/4 चम्मच चाय का, और बस इसको लगा लो। और पानी ओवर वाटरिंग नहीं करा, जब हम वेल ड्रेन सॉइल बनाते हैं तो ओवर वाटरिंग तो वैसे ही नहीं होगी देंगे। और देखिए जैसे मैंने ये छोटे गमलों में लगाए हुए हैं तो इनमें ओवर वाटरिंग के चांसेस बहुत कम रहते हैं, क्योंकि पौधे का साइज़ छोटा है और हमने गमला भी छोटा लिया है। अगर हम इसी साइज़ का पौधा 12 इंच के गमले में लगाएंगे तो उसमें ज़्यादा मिट्टी है तो वो ज़्यादा पानी को होल्ड करेगा, तो उसमें पौधा गलने का रहता है। अगर हमारी वेल ड्रेन मिट्टी है और पौधे का गमले का साइज़ पौधे के अकॉर्डिंग है तो वो ज़्यादा, देखिए अभी मैंने कल पानी दिया और आज देखिए बस थोड़ी सी मिट्टी जो है वो ऐसी है ना, बिल्कुल गीली नहीं है। तो ऐसे वेल ड्रेन सॉइल लेंगे तो इसको ओवर वाटरिंग होएगी नहीं, ओवर वाटरिंग होने से फिर इसकी जो जड़ें हैं वो गल जाती हैं। और इसको धूप में आप अच्छी धूप में रखें, जैसे मैंने यहाँ रखा हुआ है, यहाँ मुझे 4-5 घंटे की इनको धूप हल्की सी मिल जाती है। फुल धूप में भी रखेंगे तो चलेगा, लेकिन जो ब्राइट कलर के फ्लावर्स होते हैं ना उनको आप बस 4-5 घंटे तक की धूप मिले तो अच्छा रहता है, नहीं तो वो धूप से फेड होने लग जाते हैं, ख़राब होने लग जाते हैं, मुरझाने लग जाते हैं। फुल धूप वाले पौधों को भी आप ऐसा ही रखें कि उनको बस 4-5 घंटे की धूप मिले, ऐसा नहीं है 6-7 घंटे की धूप मिले तो उसमें पौधा क्या उल्टा फिर बाद में मुरझाने लग जाता है। अगर तो वो ज़मीन में लगा हुआ है तब तो उसको 6-7 घंटे की धूप मिले तो भी ठीक है। गमले में ज़्यादातर पौधों को 4-5 घंटे की धूप मिल जाए तो बहुत रहता है, उनको बहुत ज़्यादा धूप से ख़राब होने लग जाते हैं। और इनके क्या होते हैं, ये जो आपको एक दिख रहा है बंच, ये बहुत सारे फ्लावर्स हैं और हर फ्लावर के अंदर एक सीड बनेगा। तो जब ये मौसम इनका जाने लगेगा, ये सूखेंगे तो इसका, इसको पूरे को ऐसे हम तोड़ लेंगे सूखे हुए को, और जब इसको किसी पेपर पे या हाथ पे आप झाड़ेंगे तो छोटे 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 राई से भी छोटे छोटे ब्लैक ब्लैक सीड्स निकलेंगे, और उन सीड्स को आप रख लें और अगले मौसम में फिर आप उनको डालें। ये जो वैरायटी आपको दिख रही है एनुअल्स हैं ये, तो ये सर्दियों में उगेंगे, और अगर आपको उगाने हैं तो फरवरी में आप एक बार फिर बीज डाल दें तो ये फिर थोड़ी छाया में रखेंगे सर्दियों में, फिर आपको फुल धूप में नहीं रखें इनको, गर्मियों में, सॉरी गर्मियों में फिर आप फुल धूप में ना रखें। तो अगर आपके इलाके में ये लग सकते हो तो ये गर्मियों में भी एक बार फिर थोड़े से लग जाएंगे, बाकी इस मौसम में ही ज़्यादा लगते हैं ये। और इनको फ्रॉस्ट भी बर्दाश्त नहीं है, बहुत ज़्यादा जहाँ फ्रॉस्ट होता है वहाँ पे फिर ये फ्रॉस्ट से पहले पहले लगेंगे
और फ्रॉस्ट जब होने लगेगा तो फिर आप इनको किसी कवर्ड जगह में, बरांडे वगैरह में, ऐसी जगह में रख दें फ्रॉस्ट से इन्हें बचाएं, वो ये ज़्यादा बर्दाश्त नहीं करते हैं। और खाद जैसे मैं बाकी पौधों में देती हूँ 10-15 दिन में एक बार, वैसे इनको लिक्विड फर्टिलाइज़र दे दें। तो लिक्विड में अगर आप केमिकल देना चाहते हैं तो 1 लीटर पानी में 1 चम्मच DAP और 1 चम्मच पोटाश, चाय का चम्मच, दोनों चाय के चम्मच DAP, चाय का चम्मच पोटाश डाल के, और उसमें थोड़ा सा एक माइक्रोन्यूट्रिएंट पाउडर आता है बाजार से, वो डाल दें थोड़ा सा, और चौथाई चम्मच चाय का, और वो पानी आप दें हर 15 दिन में एक बार, तो फ्लावरिंग अच्छी होती है पौधे में। और अगर आप ऑर्गेनिक लिक्विड डालना चाहते हैं तो कोई भी खाद है उसको आप ओवर खाद और सरसों की खली, 2-4 मुट्ठी खाद, 2-4 मुट्ठी सरसों की खली एक 10 लीटर की बाल्टी में भिगो दें, और अगले दिन वो वाला पानी 10-15 दिन में एक बार अपने पौधों को दे दें, तो वो भी इनके लिए बहुत अच्छी खाद है और उससे इनमें फ्लावरिंग बहुत अच्छी होती है, फॉस्फोरस माइक्रोन्यूट्रिएंट वगैरह मिल जाते हैं। तो बस इस तरह से करें। और थोड़ा सा जब आप लिक्विड खाद दें तो जैसे लिक्विड खाद हमने हर 10 या 15 दिन बाद देते हैं, तो एक बार तो आप नॉर्मल दे दें और दूसरी बार जब लिक्विड खाद दें तो उसमें थोड़ा सा फंजीसाइड पाउडर मिला लें ताकि आपके पौधे को कोई फंगस वगैरह ना लगे। इसके पत्तों को चेक करते रहें कि फंगस वगैरह नहीं हो, कोई कि वो जो है पेस्ट वगैरह नहीं लगा हुआ हो, तो अगर लगा हुआ है तो नीम ऑयल का स्प्रे कर दें आप। और नीम ऑयल का जब आप स्प्रे करें तो 1-2 दिन के अंतर पे लगातार 2-4 बार करें जब तक कि वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो जाती, क्योंकि देखिए ये केमिकल तो होता नहीं है नीम ऑयल, तो ये एक एप्लीकेशन में जो है वो रिजल्ट नहीं देता है फुल, 2-4 एप्लीकेशन इनकी करनी पड़ती हैं उसके बाद इसका रिजल्ट दिखता है। तो ये आप करते रहें तो आपको देखिए सिलोशिया कितने खूबसूरत लगते हैं। आप जब ये सूखेंगे तो इनके बीज कलेक्ट कर लेंगे और मैं बताऊंगी आपको कैसे कलेक्ट करते हैं। बीज से ये बहुत आसानी से उग जाता है ये पौधा। और पानी जब आप दें तो ऊपर से नहीं दें पानी, पानी ग्राउंड लेवल पर ही दें ताकि फूलों को, कोई भी फूलों वाला पौधा होता है तो फूलों पर पानी कभी नहीं दिया जाता है, उससे पत्ते और इनमें फंगस लगने का सर्दियों में ज़्यादा डर रहता है। और बस यही चीज़ों का ध्यान रखें। ज़्यादा पत्ते आपको गंदे लगते हैं तो किसी दिन आप सुबह सुबह दे दें 9-10 बजे तक पानी, और बाकी सारा दिन धूप लग के वो पानी सूख जाए, इस चीज़ का ध्यान रखें। और बस ये सिलोशिया देखिए कितने खूबसूरत लगते हैं। मैं अभी तक सिलोशिया नहीं लाया करती थी, फर्स्ट टाइम लाई हूँ, क्योंकि मुझे वो कॉक्सकॉम जो होते हैं ना देसी वाले वो कम पसंद हैं, लेकिन इस बार ये सिलोशिया लाई हूँ, मुझे अच्छे लग रहे हैं ये वाली वैरायटी सिलोशिया की। और ये आप लगा सकते हैं, कितने खूबसूरत रंग आते हैं इसमें, और एक साथ एक गमले में मैं दो दो भी लगा सकती थी तो ये और खूबसूरत लगते हैं। या एक जो बड़ा कुंडा आप 12 इंच का ले लें ना बड़ा, उसमें 3-4 पौधे 5 एक साथ लगा दें तो एकदम पूरी एक चादर से बिछी हुई कलर्ड बहुत खूबसूरत लगती है। तो बस फ्रेंड्स, अगर आपको सिलोशिया पे ये वीडियो अच्छा लगा तो सिलोशिया लेके आइए आप भी, और वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करिए, शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ओके फ्रेंड्स, बाय।